मुझे ना पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था, पर अब बता दिया ना, सो चिल। ये सब तो मुझे पहले से ही पता था। कम ऑन सैंडी, हर किसी का कोई ना कोई पास्ट होता है। इट डजंट मैटर टू मी। तुम्हें शायद पूरी बात पता नहीं है, इसलिए तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। मैं आज भी वरुण से ही प्यार करती हूँ। और ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। ये जो शादीवादी हो रही है ना, ये मैं फैमिली के प्रेशर में आके कर रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार कभी नहीं करूंगी। What rubbish? अगर तुम किसी और से प्यार करती थी तो तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों बोला? गिरी हुई घटिया लड़की, अगर मेरे पेरेंट्स ने रिंग सेरेमनी नहीं कराई होती और इनविटेशन कार्ड्स नहीं बटे होते तो मैं शादी के लिए हरगिज ना करता। लेकिन हम तुम्हारे जैसे नहीं है। सोसाइटी में हमारा नाम है, इज्जत है हमारी, इसलिए ये शादी तो होगी। विक्रांत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सैंडी से बात करने की? और तुमने तुमने हाथ उठाया उस पे? ये ओके? अब क्यों आए हो वरुण? तुम्हारे कहने पे ही मैं ये शादी कर रही हूं ना, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं खुश रहूं या ना रहूं? यू जस्ट लीव वरुण। सॉरी, मैं तो बस ये क्या है सनी? हमारी पुरानी याद, जब से विक्रांत को ये फोटोज मिली, वो मुझसे सवाल पे सवाल करे जा रहा था वरुण, कि हमारा रिश्ता क्या है, हम एक दूसरे के क्या लगते हैं। मैंने उसको कहा कि हमारा वो पास था, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, फिर भी जबरदस्ती मुझसे पूछे ही जा रहा था, तो मैंने कह दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, पर मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। सच तो कहा वरुण, आई स्टिल लव। मैं आज भी तुम्हें भूल नहीं पाई हूँ, बट डोंट वरी, एक बार मेरी शादी हो जाएगी ना, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तब तुम्हारे और अंकल जी के ऊपर जो मेरी जिम्मेदारी होगी ना, खत्म हो जाएगी। सानी, ये कैसे हो सकता है? विक्रांत से खुद मैंने बात की थी, उसी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने भी मुझसे यही कहा था कि उसका मेरे पास्ट से कुछ लेना देना नहीं है। जब उसने ये तस्वीर देखी ना, वो एकदम पागल सा हो गया। वरुण शादी से पहले मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो शादी के बाद वो क्या करेगा मेरे साथ? मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है।
अब मैं क्या करूंगी वरुण? सैंडी, हेलो वरुण, मुझे मिलना है आपसे, जल्दी से कमरे में आ जाइए। हाँ मैं समझ गया। वो वरुण, आज जो कुछ भी हुआ प्लीज उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। प्रॉमिस मी। आज गेंदा ने जो देखा उससे इनका रिश्ता कमजोर हो जाएगा, और तन के तमाशे के बाद वरुण हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। क्या हुआ, तुमने कॉल करके बुलाया? कहाँ थे आप? मैं बस वरुण बस, और झूठ नहीं, मैं जानती हूँ आप सैंडी के साथ उसके कमरे में थे। क्या कर रहे थे आप? अब भी उससे प्यार करते हैं? बोलिए। इतना हैरान मत हुई, मैं आपके और सैंडी के बारे में सब जानती हूं। बहुत बुरा लगा था मुझे जब आपने ये बात मुझसे छुपाई, लेकिन फिर मैंने सोचा आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए शायद मेरा दिल नहीं दुखाना चाहते थे और इसीलिए नहीं बताया मुझे ये सब। मुझे आप पे पूरा यकीन भी था, क्या आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं? सैंडी आपका पीता हुआ कल थी, मेरे लिए मेरा आज मायने रखता है, इसलिए मैंने भी आज तक आपसे नहीं पूछा इस बारे में। लेकिन आज आप झूठ बोलकर उसके साथ उसके कमरे में थे। क्या कर रहे थे आप? क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे, बताइए। तुम मुझे गलत समझ रही, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता। सैंडी मेरा पीता हुआ कल है। हम दोनों आज सिर्फ दोस्त, और एक दोस्त के नाते मैं उसे दिलासा देने गया था, वो भी इसलिए क्योंकि वो बहुत दुखी थी। केटा, तू मेरी जान, मेरे जीने की वजह हो तू। केटा, मैं तेरे सर की कसम खा के कहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। लव यू केटा। नहीं पता तुमने क्या देखा, लेकिन वो सब झूठ है। देख, तुम्हारी गलत फहमी थी कि सुनो, अगर मुझे एक मौका दो कि मैं तुम्हें सब समझा दूंगा।
जरूरत नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है। मैं समझ सकता हूँ, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही सोचता, मेरे मन में भी यही सारे सवाल उठते। लेकिन अगर तुम ये सब जानती थी तो एक बार मुझसे आके बात कर लिया होता, मुझसे पूछ लिया होता। मैं समझ सकता हूं ये सब जानने के बाद तुम्हारे सैंडी के साथ रहना कितना मुश्किल हुआ होगा। सॉरी, लेकिन तुम अभी बिल्कुल बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी एक पल के लिए भी तुम्हें तुम्हें सैंडी के साथ रहने नहीं दूंगा। हम कहीं चले जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, कुछ कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जब तक सैंडी की शादी नहीं हो जाती हम वापस घर नहीं आएंगे। अनुराधा दीदी जी, देखिए तो संध्या के लिए ये सेट कैसा रहेगा, दिखाइए। अरे वाह रजनी जी, तो बहुत सुंदर है। निशा देख कितना सुंदर हार है, देख। जी। दीदी ये टोकरी कहाँ रखनी? मेरे सर पर, यहाँ रख दीजिए। अरे वाह, सजावट तो बहुत खूबसूरत है। वाह गई अनुराधा, सुधीर भाई साहब। हाँ, सब कहाँ रख दूँ इसे? यहाँ रखो, यहाँ पर। हाँ, ये विक्रांत के घर वालों का क्या प्रोग्राम? वो लोग पहले घर आएंगे और फिर हम लोगों के साथ ही शादी के वेन्यू के लिए निकलेंगे। चलो अच्छी बात है। मनीष के पापा है, यहाँ छोटी सी एक रस्म होनी है, लड़के वाले आएंगे और संध्या को शगुन देंगे बस। तैयारियाँ हो चुकी है ना? हाँ हाँ सब हो गया है। ठीक है ठीक है ठीक है। निशा बेटा मिठाई कहाँ है? जी पापा जी, मैं किचन से लेकर आती हूँ। अरे निशा बेटा, जरा सैंडी को भी देख लेना तैयार हुई कि नहीं। जी चाची जी, मैं सैंडी को भी लेकर आती हूँ और वरुण भी और गेंदा को भी लाती हूँ। अनुराधा जी, शायद गेंदा और वरुण शादी में उपस्थित नहीं रहेंगे, दुकान में कुछ अर्जेंट काम है, वरुण ने बताया था। अच्छा ठीक है। सैंडी, सैंडी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वरुण भैया और गेंदा दुकान पर जा रहे हैं, उनको बहुत जरूरी काम है, शादी में नहीं आ पाएंगे। लगता है सदमे से पागल हो गई है। जिसे जो करना है करने दीजिए दी, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। सो डोंट वरी डी ए, तेरा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई है तू, तू शराब पी रही है, जी कुछ हो गया तो? मुझे जो होना था वो तो हो चुका है दी, वरुण से प्यार। I love वरुण दी, वरुण मेरा है, सिर्फ मेरा, और दी उसे पाने के लिए ही तो मैंने इतना सारा ड्रामा किया। ड्रामा नहीं, मेहनत की है दी मैंने। आज मेरे इश्क का इम्तिहान है, आज जो भी होगा, चाहे वो तमाशा हो चाहे वो नशा हो, सब कुछ असली होगा दी। और अगर आज मैंने अपने वरुण को नहीं पाया ना दी, तो
मेरी जान भी असली में जाएगी, असली में जाएगी जान। सारे जो डिजाइन्स हैं आप देखिए, जब तक आपका नेकलेस मेरे पति ठीक करते हैं। देखिए ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं सब छोड़ के जा रही हूँ वरुण, गुड बाय। अरे कहाँ गए, मेरा नेकलेस कौन बनाएगा? नहीं नहीं आप टेंशन मत लीजिए, वो किसी काम से गए होंगे, आ जाएंगे अभी आ जाएंगे। हाँ पंडित जी शुरू कीजिए। सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं, अब संध्या को बुलाइए ना, देर हो रही है। बहन जी बस निशा लेने ही गई है, आती ही होगी। ये देखिए वो आ गई। ये तो अकेली आ रही है। एक मिनट मैं देखती हूँ। निशा संध्या को नहीं लाई बेटा? संध्या को लेकर क्यों नहीं आई? अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? बोलो निशा कहाँ है संध्या? सैंडी अपने रूम में नहीं है। वो भाग गई। भाग गई? मैं आज भी वरुण से ही प्यार करती हूँ। क्या कह रही हो तुम? बहन जी ऐसी बात नहीं है, बहुत समझदार बच्ची है। आती हूँ अब। सैंडी नहीं आएगी पापा। जब तक ये शादी कैंसिल ना हो जाए सैंडी वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो ये शादी करना ही नहीं चाहती। और मुझे लगता है जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। वरुण तुम्हें कैसे पता वो शादी नहीं करना चाहती थी? क्योंकि उसी ने मुझे कॉल करके बताया कि वापस तब तक नहीं आएगी जब तक ये शादी कैंसिल ना हो जाए। उसने बोला है तुम दोनों ने मिलकर कोई प्लान बनाया है। क्या बकवास कर रहे हो विक्रांत? मैं बकवास कर रहा हूं? आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वरुण और सैंडी दोनों मिलकर मेरी शादी तोड़वाना चाहते हैं और ये आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। विक्रांत ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो पूछ लीजिए इस धोखेबाज इंसान से। विक्रांत मेरी पास्ट को मेरा प्रेजेंट मत बताओ। अबे कौन सा पास्ट? जो कभी था ही नहीं, जो कल था वो आज भी है। यार तुम लोगों में ना शर्म है ना थोड़ी सी ईमानदारी, अपनी बीवी के होने के बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घुसर रहा उड़ा रहा है। ये क्या कर रहा तू? क्या है ये? क्या कर रहे हो बच्चे? माफ कीजिए कुंदन जी, जितनी बेइज्जती कराना थी करा चुके,
अब इस घर में रिश्ता नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं आप? चलो विक्रांत। भाई साहब सुधीर भाई साहब रोकी है उन्हें। विक्रांत सुधीर भाई साहब। भाभी जी, भाभी जी क्या? लगता है वरुण आ गए। भाभी गेंदा आप यहाँ? वरुण कहाँ है? घर पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वरुण भैया ने सैंडी की शादी तोड़वा दी।